हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस एस्ट्रोलॉजी चैनल में। और आज हम बात करेंगे सूर्य को मजबूत करने के उपाय के बारे में। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सेशन, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ इसको एंड तक देखें, ताकि आपको, अगर आपका सूर्य, आपको पता चल सके कि सूर्य को कमज़ोर होने के क्या क्या लक्षण हैं, और जो लक्षण हैं उनके उपाय क्या क्या हैं। उपाय बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं। और जैसा कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया शुक्र को ठीक करने के उपाय, या फिर शुक्र के उपाय जो मैंने बताए हुए हैं काफी पॉजिटिव है। मैंने ये ट्राई, ये मतलब आप मान के चलिए ये 2 साल के ट्रायल के बाद मैं आपको ये उपाय बता रहा हूँ, बहुत इफेक्टिव है। और आपने, मे भी हो सकता है ये सुने हो, बट इनको करेक्ट तरीके से करने का उपाय मैं आपको बताऊंगा। तो पहले जान लेते हैं कि शुक्र, मतलब ये जानने से पहले कि शुक्र को मजबूत करने के क्या क्या उपाय हैं, हमें जान लेते हैं कि शुक्र के कमजोर होने के क्या क्या लक्षण हैं, ये हम पहले जानेंगे। मतलब कब आपका सन वीक होता है ये हम जानेंगे। अब सूर्य, पहले तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सूर्य क्या है। सूर्य है राजा, किंग। सूर्य हमारे कॉन्फिडेंस को भी दिखाता है, सूर्य हमारी ईगो है ना, जो हमारी ईगो होती है इसको भी सूर्य दिखाता है, करेज को भी सूर्य दिखाता है। जो भी आपके गवर्नमेंट रिलेटेड वर्कर्स है ना, गवर्नमेंट, ये लीडर्स लीडर्स को भी सूर्य दिखाता है। उसके बाद जब सूर्य कमजोर होता है तो क्या होता है, देखिए मैं, एक तरीका तो ये हो गया कि आप अपने एस्ट्रोलॉजी में देख लें कि सूर्य किस हाउसेस के साथ रिलेशन रखता है। अगर 6, 8, 12 के साथ रिलेशन रखता है, या 5, 8, 12 के साथ रिलेशन रखता है, या फिर आप 7, 8, 12 के साथ रखता है, या 1, 6, 8, 12 के साथ रखता है, अगर इन घरों के साथ सूर्य रिलेशन रखता है तो आप समझ लीजिए आपका सूर्य कमजोर है। ये सूर्य के कमजोर होने के लक्षण है। और अब आपको सूर्य को मजबूत करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, सूर्य को ठीक करने की, मजबूत नहीं कहूंगा यहाँ पे, ठीक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक तरीका और है, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ देखिए, न्यूमरोलॉजी भी हम इसमें देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ देखिए, अगर आपके मल्टीपल बनाते हैं, मल्टीपल बनाते हैं, तो आप समझ लीजिए आपका सूर्य काफी कमजोर है। लेकिन एक चीज का इसमें आप ध्यान रखना होगा कि डेस्टिनी, अगर आपकी डेस्टिनी वन है, डेस्टिनी वन है और मल्टीपल वन आ रहे हैं तो ये बेनिफिशियल है। लेकिन अगर आपकी डेस्टिनी वन नहीं है और मल्टीपल वन आ रहे हैं तो ये आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देने वाले हैं। तो होगा क्या जब सूर्य कमजोर होता है, इसके लक्षण क्या क्या होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। सूर्य राजा होता है, जैसे मैंने कहा सूर्य कॉन्फिडेंस का कारक होता है, ईगो होता है, करेज होता है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, करेज आपके अंदर नहीं होगा, कॉन्फिडेंस, आपको लीडरशिप की क्वालिटी होती है वो आपके अंदर नहीं होगी, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम आपके बहुत ज्यादा आसानी से बनेंगे नहीं, आपको वीजा मिलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आप में थोड़ा सा ईगो ज्यादा हो सकता है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं होगा, किसी की बात बहुत जल्दी हर्ट हो जाएगी। ये एक बहुत मेजर लक्षण है सूर्य के कमजोर होने का। तो पहले तो आप कभी लीड नहीं लेंगे, आपको अपने बॉस, जो आपके सब बॉस हैं उनसे आपको सहयोग मिलने में बहुत दिक्कत होगी। आपके आपके पिता के साथ संबंध बहुत अच्छे नहीं हो सकते हैं अगर आपका सूर्य कमजोर है। तो यहाँ पे ये, अगर आप लक्षण देखते हैं कि कॉन्फिडेंस की कमी है, ईगो आपके अंदर ज्यादा है, और किंग है, मतलब जो आपके आपके बॉसेस के साथ, सुपीरियर्स के साथ नहीं बन रही, सीनियर्स के साथ नहीं बन रही, करेज आपके अंदर नहीं है, गवर्नमेंट से रिलेटेड कामों में दिक्कत आ रही है, तो आप समझ लीजिए आपका सूर्य कमजोर है। सूर्य के लक्षण आपके ये, अगर ये लक्षण दिखाता है तो सही नहीं है, तो आपको अब सूर्य की तरफ को काम करने की जरूरत है, सूर्य को मजबूत करने की जरूरत है, सूर्य के उपाय करने की जरूरत है, जिन उपायों के थ्रू आप सूर्य को ठीक कर सकते हैं वो आपको अब करने की जरूरत है। तो पहला उपाय देखिए, पहला जो है आप देखेंगे कि जो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, एक सूर्य का मंत्र है, आप इस सूर्य के मंत्र को लिख लीजिए। ये मंत्र है ओम राम रीम रोम सह सूर्याय नमः। इस मंत्र को, अब मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि सूर्य को अगर आपको मजबूत करना है या पॉजिटिव साइड पे लेके आना है, तो क्या आप कितनी बार, इसका मैं प्रोसीजर बता रहा हूँ, इसको आपको 7,000 बार पढ़ना है। कितने दिनों में, 21 डेज में आपको ये 7,000 दिन, 7,000 नंबर्स कंप्लीट करने हैं। इससे आपका सूर्य बहुत अच्छा हो जाएगा, कमजोर है तो मजबूत हो जाएगा। ये सूर्य को मजबूत करने का बहुत अच्छा तरीका है। मजबूत के साथ साथ इसकी उसकी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। सूर्य को मजबूत करने के साथ साथ, ये सूर्य को मजबूत करने का एक बहुत इफेक्टिव तरीका है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, सूर्य को मजबूत करने का बहुत इफेक्टिव तरीका है, साथ साथ इसकी नेगेटिविटी भी आपकी सूर्य की कम हो जाएगी।
दूसरा उपाय जो है हम देखेंगे सूर्य को मजबूत करने का, जो दूसरा उपाय है वो ये है कि आप सूर्य को आप जल देना शुरू कीजिए डेली सुबह उठ के। मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि सूर्य को जल देने का क्या तरीका होना चाहिए जिससे कि वो आपको बहुत बेटर रिजल्ट दे सके। तो पहला तो तरीका आपका ये मंत्र है, मंत्र आपको सूर्य को बहुत मजबूत कर देगा प्लस उसकी नेगेटिविटी को कम कर देगा। ये भी सेम है, इन दोनों को अगर आप साथ कर लेते हैं तो लेकिन सूर्य को लेकिन थोड़ा सा दिक्कत ये आती है कि सूर्य को मजबूत करने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको 2 मंथ का पीरियड लगेगा जब आप देखेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस वापस आ गया है, आपके बॉस से साथ बनने लगी है, आपके गवर्नमेंट से रिलेटेड रिलेटेड जो भी काम थे उसमें अगर कोई दिक्कतें आ रही थी तो वो ठीक होने लगी हैं, ये आप देखेंगे 2 महीनों में। लेकिन आपको ये कंटिन्यूअस करना होगा, गैप नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप थर्ड होता है रिलेशन, जो आप जिस चीज से ये सूर्य ठीक होगा आपका मजबूत होगा रिलेशन है, आप अपने फादर या फादरली फिगर्स इनके साथ रिलेशन अच्छे रखिए। अपने फादर से डेली बात कीजिए। अब होता क्या है बात करने का मैं बताता हूँ, क्योंकि आप अपने पिता से डेली बात कर रहे हैं तो सूर्य है पिता का कारक, ठीक है, सूर्य है पिता का कारक, आप डेली पिता से बात कर रहे हैं, जो सूर्य की नेगेटिव एनर्जी है ना, तो आप बातें जो कर रहे हैं वो बातों के आप अपनी नेगेटिव एनर्जी अपनी ट्रांसमिट कर रहे हैं, राइट। ट्रांसमिट नहीं कह सकते, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन क्या होगा आप उनसे बात कर रहे हैं तो वो एनर्जी वहां कंज्यूम हो जाएगी, राइट। कंज्यूम इसके लिए बहुत सही वर्ड है। तो ये सूर्य को मजबूत करने का बहुत अच्छा तरीका है। इन तीनों उपाय से सूर्य आपका मजबूत ही नहीं अच्छा भी होगा, पॉजिटिव रिजल्ट देगा। जिसका सूर्य पॉजिटिव है वो और अच्छा हो जाएगा, जिसका सूर्य नेगेटिव है या जिसका सूर्य कमजोर है, जो मैंने कमजोर होने के लक्षण आपको पहले ही बता दिए, तो ये सूर्य को मजबूत करने के बहुत अच्छे उपाय हैं, बहुत इफेक्टिव। मैंने आपको बोल दिया 2 महीनों में पिता के साथ रिलेशन अच्छा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद लेकिन ये मैं जो चौथा बता रहा हूं ये सिर्फ वो लोग करें जिनका सूर्य कमजोर है। सूर्य कमजोर है मतलब है अगर आप सपोज कीजिए जॉब देख रहे हैं, जैसे मैं अभी आपको एक चीज समझाता हूँ, सूर्य कमजोर मैं उसमें बताना भूल गया था, जॉब देख रहे हैं मतलब, और सूर्य का जो रिलेशन बन रहा है वो किसी भी नेगेटिव हाउस के साथ नहीं बन रहा, लेकिन 2, 7, 9, 5 इस तरीके के आ रहे हैं, तो इस सूर्य को आप कमजोर कहेंगे। इसके लिए आप सूर्य का रत्न भी धारण कर सकते हैं, इसके इसलिए सूर्य का रत्न भी आप धारण कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ वो लोग करेंगे जिनका सूर्य पॉजिटिव है, इनका सूर्य नेगेटिव नहीं है, वही लोग धारण करेंगे। तो आप प्लीज इसको करने से पहले आप प्लीज किसी को कंसल्ट कर लीजिए, अगर ये सूर्य आपका नेगेटिव हो और आपने रत्न डाल लिया तो ये आपके सूर्य को तो मजबूत कर देगा और बहुत अच्छा उपाय है, लेकिन क्योंकि अगर आपका सूर्य खराब है और सूर्य मजबूत हो गया तो फिर वो आपको और ज्यादा बुरे रिजल्ट देने लग जाएगा। तो फ्रेंड्स आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो astrosolution49@gmail.com पे आप मेल कर सकते हैं, यहाँ से मैं आपके प्रोसीजर को गाइड आपको गाइड कर दूंगा कि क्या प्रोसीजर है कंसल्टेशन लेने का। तो आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बताएं आप ये कैसा लगा। कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, लाइव शो में आ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपका रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।